हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। और जैसा कि पिछली कक्षा में हम चर्चा कर चुके हैं दीर्घ संधि के बारे में, दीर्घ संधि को दीर्घ संधि क्यों कहते हैं, ये भी चर्चा हुई और बहुत सारी चर्चाएं हुई। और आज हम पढ़ेंगे गुड़ संधि के बारे में। आज का जो हमारा प्रकरण है गुड़ संधि, अगर समय रहा तो गुड़ वृद्धि यण आदि सबके बारे में बतला दिया जाएगा। पहले तो हम ये देख लेते हैं गुड़ को गुड़ कहा क्यों जाता है, या वृद्धि संधि को वृद्धि संधि कहाँ क्यों जाता है। पिछली कक्षा में जैसा कि मैं बता चुका हूँ, संधि होने के लिए जब आपसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी संधि होगी, निम्नलिखित पदों में कौन सी संधि होगी, अगर संधि करने के लिए कहा जाएगा तो आपसे ये कहा जाएगा कम से कम आपको दो पद तो दिए ही जाएंगे जिसमें आप संधि करें, जैसे विद्या धनालय, दो पद दिए रहेंगे। लेकिन अगर प्रश्न एग्जाम में ये आता है कि विच्छेद, दिए गए पद का विच्छेद कीजिए, इसका मतलब एक ही पद दिया रहेगा और उसको अलग अलग आपको तोड़ना रहेगा। दो प्रकार से प्रश्न आता है, एक संधि करने का, एक विच्छेद करने का, और एक कौन सी संधि उपस्थित है। तो अभी हम केवल संधि पढ़ रहे हैं, विच्छेद की चर्चा अभी हमने नहीं की है। और दीर्घ संधि के बारे में हमने चर्चा की थी और हमने बताया था दीर्घ संधि को दीर्घ संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि संधि होने के पश्चात जो वर्ण बनते हैं वो कौन से वर्ण बनते हैं, दीर्घ वर्ण बनते हैं। साहित्य में तो दीर्घ का मतलब अलग होता है, लेकिन व्याकरण में दीर्घ का मतलब क्या है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ए ऐ ओ औ भी दीर्घ है, लेकिन ए ऐ ओ औ को दीर्घ में नहीं गिना जाता है, दीर्घ संधि में नहीं गिना जाता है। रीजन, क्योंकि वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। साहित्य में दीर्घ का मतलब होता है बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ी नदी, बहुत बड़ा मकान। लेकिन व्याकरण शास्त्र में दीर्घ का मतलब होता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री। और हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, सात है। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या सात है। अब आते हैं गुड़ पे। ये चर्चा तो पिछली कक्षा में हो चुकी थी गुड़ पे। और एक महत्वपूर्ण बात और आपको बतलाते चले, पिछली कक्षा हमने बताया था स्थानीय वर्ण क्या होते हैं, आदेश वर्ण क्या होते हैं। तो जब हम संधि करते हैं, संधि मतलब योग करते हैं या मिलाप करते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ वर्ण हटते हैं अपने स्थान से और उनके स्थान पर दूसरा वर्ण आता है, क्योंकि संधि वर्णों का विषय है, हम बतला चुके हैं। कुछ वर्ण हटते हैं और उनके स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आता है। तो जो वर्ण अपने स्थान से हटते हैं उन्हें हम स्थानीय वर्ण कहते हैं, और स्थानीय वर्ण के स्थान पर जो जाते हैं, मतलब जो बैठाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आदेश वर्ण कहते हैं। पिछली कक्षा में इसकी चर्चा हो चुकी है, आदेश वर्ण और स्थानीय वर्ण के किसे कहते हैं। जैसे विद्या और आलय में आ धन आ, आ और आ, विद्या का आ और आलय का आ, ये दोनों आ क्या है, स्थानीय वर्ण है। अब इन दोनों के स्थान पर आदेश वर्ण कौन सा था, आ ही था। इन दोनों के स्थान पर एक वर्ण आदेश हुआ था, वो क्या था, आ था। और कौन सा वर्ण आदेश हुआ था, दीर्घ वर्ण ही आदेश हुआ था, क्योंकि दीर्घ संधि का मतलब ही यही है कि संधि के पश्चात, दीर्घ संधि, संधि के पश्चात जिन वर्णों का निर्माण होगा या वर्ण जो परिवर्तित होकर बनेंगे वो कौन से वर्ण बनेंगे, दीर्घ वर्ण बनेंगे। और पिछली कक्षा में आपने देखा दीर्घ वर्ण कौन कौन से बन रहे थे, आ बन रहा था, बड़ी ई बन रही थी, जैसे भानुदय, विद्यालय में आ, भानुदय, उसके बाद ई बन रहा था रविंद्र, रविंद्र, उसके बाद होत्रिकार में बड़ी री बन रही थी। तो दीर्घ वर्ण ही बनेंगे। अब गुण पे आते हैं। गुण संधि का पहले दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, अक सवर्ण दीर्घ, यह भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है। उसी प्रकार से गुण संधि का भी सूत्र पूछता है कि गुण संधि का सूत्र क्या है, तो ऑप्शन में, विकल्प में दोनों रहता है, अदेंग गुण है, आध गुण है। अब आप कुछ किताबों में तो इसको भी, इसको बोल देता है दीर्घ संधि का सूत्र। तो आपको बतलाते चलें, ये संज्ञा सूत्र है। क्या है, संज्ञा सूत्र, गुण संधि का जो ये संज्ञा सूत्र है, और ये गुण संधि का संधि सूत्र है। कौन सा सूत्र है, संधि सूत्र। आद गुण है, गुण संधि का संधि सूत्र क्या है, आद गुण है। और गुण संधि का संज्ञा सूत्र क्या है, अदेंग गुण है, अदेंग गुण है। तो आद गुण में जब हम आते हैं, हम पाते हैं गुण होता क्या है। पहले हम गुण को जाने। साहित्य में तो गुण का मतलब बतलाया गया है विशेषता, जैसे वह लड़का गोरा है वह उसकी विशेषता हो गई, हाथी काली है उसकी विशेषता हो गई, पहाड़ बहुत बड़ा है उसकी विशेषता हो गई, मकान बहुत सुंदर है विशेषता हो गई, ये साहित्य की बात है। लेकिन व्याकरण शास्त्र में गुण किसे कहते हैं, यह जानना हमारे लिए आवश्यक है। व्याकरण शास्त्र में
पाणिनि ने बतलाया कि व्याकरण शास्त्र में जो गुण हैं वो तीन वर्णों को गुण कहा जाता है। वे तीन वर्ण कहाँ से आए हैं ये संस्कृत का विषय है, लेकिन आप जान लीजिए जो अदेंग गुण है सूत्र है इसी से तीन वर्ण आए हैं। पहला वर्ण है अ, दूसरा वर्ण है ए और तीसरा वर्ण है ओ। कोई आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से गुण वर्ण कौन से हैं, तो गुण वर्णों की संख्या तीन है अ ए ओ, अ ए ओ, ये गुण वर्ण है। अब कैसे ये आए हैं ये प्रत्याहार का विषय है, ये संस्कृत का विषय है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और व्याकरण शास्त्र में आपसे कोई पूछे व्याकरण शास्त्र में गुण कितने हैं, तीन गुण हैं, कौन कौन से अ ए ओ, इसका मतलब गुण संधि में किसका निर्माण होगा, गुण संधि में संधि होने के पश्चात, गुण संधि का शाब्दिक अर्थ ही ये हुआ कि संधि होने के पश्चात गुण वर्णों का निर्माण हो। दीर्घ संधि में जैसा आपने देखा था संधि होने के पश्चात दीर्घ वर्णों का निर्माण हो रहा था, लेकिन सारे दीर्घ वर्णों का निर्माण नहीं हो रहा था, जैसे ए ऐ ओ औ, ऐसा इसलिए है क्योंकि ए ऐ ओ औ अक प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आते हैं। अक प्रत्याहार की उपयोगिता क्या है दीर्घ संधि में, यह है क्योंकि अक सवर्ण दीर्घ दीर्घ संधि का सूत्र होता है, संधि सूत्र होता है। तो ये ध्यान रखिएगा अदेंग गुण संज्ञा सूत्र है और आद गुण संधि सूत्र है, इसमें कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से गुण संधि का कौन सा सूत्र, आप क्या लगाएंगे आद गुण, आप क्या लगाएंगे आद गुण, और आद में आत छिपा रहता है। और ये पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहले अध्याय के पहले पाद का, पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय है, 32 पाद और 4000 सूत्र बताए गए हैं। तो पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है और ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का पहले पाद का पहला सूत्र है। मीन्स अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है, वृद्धिरादैच। तो ये भी जो वृद्धिरादैच है ये संज्ञा सूत्र है, कैसा सूत्र है संज्ञा सूत्र है, वृद्धिरादैच संज्ञा सूत्र है। आपसे कोई पूछे वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे वृद्धि रेची, विकल्प में दोनों मिल सकता है। तो वृद्धि संधि सूत्र क्या है, संधि सूत्र जो है वो वृद्धि रेची है। ये एग्जाम में कई बार यूपी टेट में आ चुका है, यूपी टेट सी टेट, आप 2011 से लेकर 18 तक के पेपर में जाएंगे तो आप पाएंगे कि एग्जाम में आता है कि कौन सा निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का सूत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का सूत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि संधि का सूत्र है। अच्छा, वृद्धि का मतलब क्या आता है, जब हम साहित्य में जाते हैं वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, प्रोग्रेस, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल के व्यूअर की संख्या अभी 100 है और अगर वो कल 200 हो जाए इसका मतलब उसमें वृद्धि हुई है, कल परसों 300 हो जाए इसका मतलब उसमें वृद्धि हुई है। तो साहित्य में वृद्धि का मतलब क्या है, निरंतर, वन डायमेंशनल। साइकोलॉजी में जब वृद्धि पे आते हैं तो वो वन डायमेंशनल शारीरिक विकास होता है, मतलब एक पक्षी एक दिशा में शारीरिक विकास को ही साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में हम वृद्धि कहते हैं। लेकिन व्याकरण शास्त्र में वृद्धि क्या है यह जानना हमारे लिए आवश्यक है। और व्याकरण शास्त्र में वृद्धि तीन वर्णों को कहा जाता है, कि किन किन तीन वर्णों को कहा जाता है वृद्धि, ये किससे आते हैं, वृद्धि के संज्ञा सूत्र से ये तीन वर्ण आते हैं। और इस पे ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस इतना जानिए आ ऐ औ, ये तीन वर्ण वृद्धि वर्ण होते हैं। कैसे वर्ण होते हैं, वृद्धि वर्ण होते हैं, और ये तीन वर्ण गुण वर्ण होते हैं। तो साहित्य और व्याकरण में अंतर होता है, व्याकरण शास्त्र में गुण वर्णों की संख्या तीन है, कौन कौन ए ओ ए, व्याकरण शास्त्र में वृद्धि वर्णों की संख्या तीन है आ ऐ औ, यहां देख सकते हैं आप आ ऐ औ। तो जो प्रोसीजर अप्लाई होता है दीर्घ संधि पे वही प्रोसीजर अप्लाई होता है गुण संधि पे, और वही सब प्रोसीजर अप्लाई होता है वृद्धि संधि पे। कहने का मतलब यह है वृद्धि संधि क्या है, वृद्धि संधि ऐसी संधि है कि संधि होने के पश्चात वृद्धि वर्णों का निर्माण होगा, वृद्धि वर्णों का निर्माण होगा, आ ऐ औ, इनमें से कोई भी वर्ण किसी भी वर्ण का निर्माण हो सकता है। और हमने आपसे कहा था बिना वर्णमाला का उच्चारण स्थान जाने संधि सही से समझ में आदमी को नहीं आता है, इसका रीजन ये है क्योंकि उच्चारण स्थानों से ही संधि का रिलेशन है।
और संहिता के बारे में बतलाए थे, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, आप पिछले वीडियो में जाके इसको देख लीजिएगा। तो आपने देखा कि जो वृद्धि संधि का संधि सूत्र है वो वृद्धि रेचि है, और जो संज्ञा सूत्र है वो वृद्धिरादैच है। अगर दोनों विकल्प में रहे, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड विकल्प नहीं आता है, लेकिन अगर दोनों विकल्प में रहता है तो आप क्या करेंगे, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। वृद्धि संधि का संधि सूत्र कुछ किताबों में मिसप्रिंट भी मिलता है, बहुत सारी किताबों में मिसप्रिंट मिलता है, वो वृद्धि संधि के सूत्र के स्थान पर वृद्धिरादैच लिख देते हैं। कुछ टीचर ऐसे भी बता देते हैं कि दोनों जो है वृद्धि संधि का सूत्र है, लेकिन वो गलत है, पूरी तरह गलत है। वृद्धि संधि का सूत्र जो है वो वृद्धि रेचि ही है, और वृद्धि का संज्ञा सूत्र जो है वो वृद्धिरादैच है, कुछ किताबों में इसको लिख देता है, वो भी पूरी तरह गलत है। कुछ पुस्तकों में अदेंग गुड़े को बोलता है कि ये संधि सूत्र है, किसका, गुड़ का, गुड़ संधि का सूत्र जो होता है वो क्या है, अदेंग गुड़े, जो कि पूरी तरह गलत है, 100% पूरी तरह गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुड़ संधि की, गुड़ संधि है क्या। तो गुड़ संधि में जो आद गुड़ है, गुड़ संधि का सूत्र क्या होता है, आद गुड़ है, तो आद में छिपा है आत, आद में क्या छिपा है, आत, और आत का मतलब होता है, ये संस्कृत का विषय है, आत का मतलब होता है ए और आ, ए और आ, आत का मतलब होता है ए और आ, अर्थात ए और आ के पश्चात, ए और आ के पश्चात अगर कोई स्वर आए, कोई स्वर आए तो कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी, ए और आ के पश्चात अगर कोई दूसरे वर्ण कोई दूसरा स्वर आता है तो कौन सी संधि होगी, गुड़ संधि होगी, वहां पे कौन सी संधि होगी मित्रों, गुड़ संधि होगी, गुड़ संधि होगी, ए आ के पश्चात अगर कोई दूसरा स्वर आता है। तो देखिए ये जो सूत्र है आद गुड़ ये 6.187 है, यण संधि से, पाणिनि ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, अच्छा है या बुरा इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पाणिनि क्या करते हैं, जो बात अपने अष्टाध्यायी में एक बार कह देते हैं दोबारा उसको नहीं कहते हैं, दोबारा उसकी अनुवृत्ति ले लेते हैं, अनुवृत्ति मतलब उधार ले लेते हैं, और उस उधार को दोबारा प्रकट नहीं करते हैं, और उसी उधार को व्याकरण शास्त्र की भाषा में अनुवृत्ति कहते हैं। तो इन्होंने किसकी अनुवृत्ति ली थी, यण संधि का ई को यणच जो सूत्र है वहां से अच की अनुवृत्ति ली थी, किसकी अनुवृत्ति ली थी, अच की, किसकी अनुवृत्ति ली थी, अच की। तो अच का मतलब क्या होता है, अच का मतलब होता है स्वर, अच का मतलब होता है स्वर, यानी यदि आत के बाद अच आए तो कौन से वर्ण बनेंगे, गुण वर्ण बनेंगे, कौन से वर्ण बनेंगे, किस किन वर्णों का निर्माण होगा, गुण वर्णों का निर्माण होगा, और व्याकरण शास्त्र में गुण वर्ण कितने हैं, तीन हैं, ए आ ए ओ, ए ए ओ। तो इसका मतलब कि गुड़ संधि का शाब्दिक अर्थ ही यही है कि संधि होने के पश्चात गुड़ वर्णों का निर्माण होना, दीर्घ संधि का मतलब यही है, संधि होने के पश्चात दीर्घ वर्णों का निर्माण होना, और वृद्धि संधि का भी मतलब यही है, संधि होने के पश्चात वृद्धि वर्णों का निर्माण होना। अब कौन कौन से वर्ण निर्माण में आते हैं, कौन कौन से अच, पाणिनि ने तो अच को ले लिया, लेकिन क्या सारे अचों को हम यहाँ यूज करते हैं, नहीं, केवल अ से लेकर री तक, अ से लेकर री तक, और री को भी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, चूंकि इसमें स्थान दिया गया है शब्दकोश में, इसीलिए री को संधि से शब्दकोश बनता है, इसीलिए री को भी यहां पे रखते हैं अच में। ए ऐ ओ औ को क्यों नहीं यहां पे गुण वाले अच में क्यों नहीं रखते हैं, जबकि अच का मतलब संपूर्ण स्वर होते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ए ऐ ओ औ को रख देंगे तो वृद्धि संधि बन जाती है, कौन सी संधि बन जाती है, वृद्धि संधि बन जाती है, इसीलिए अच का कौन सा हमें रखना है, वो अच का हमें अ से लेके री तक, अ आ ई उ री री, इन्हीं का उपयोग हमें करना है, चाहे तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनके उपयोग से गुण वर्णों का निर्माण नहीं होता है, कौन से गुण वर्ण, अ ए ओ, अभी दिखाते हैं आपको कैसे। हमेशा परिभाषा में पढ़ते होंगे संधि मतलब, संधि या बंटवारा एक ऐसा शब्द है, योग या अलगाव एक ऐसा शब्द है जहां पे कम से कम दो लोग होने चाहिए, इस बात से सहमत होंगे आप लोग, कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए अगर कहीं बंटवारा करना है, एक लोगों में बंटवारा होगा नहीं, आपकी मम्मी सेव लाएं अकेले आप रूम में रहें और आपसे कहें कि बेटा बांट के खा लो, किससे बांटेंगे आप, दो लोग तो कम से कम होने चाहिए, अगर योग भी करना है तो भी दो लोग होने ही चाहिए। तो इसी पर आगे बढ़ते हुए हम आते हैं अच में कौन कौन से वर्ण, आ तो यहाँ आ गए आत में आते हैं, यहाँ पर ई आ सकता है, यहाँ पर बड़ी ई आ सकता है,
यहाँ पर उ आ सकता है, यहाँ पर बड़ा उ आ सकता है, यहाँ पर री आ सकता है और यहाँ पर री आ सकता है। ये वर्ण अच में आते हैं। हिंदी की किताबों आप पढ़ते होंगे, यदि प्रथम शब्द के अंत में अ आ और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ई ई उ उ री री आए तो दोनों मिल करके गुण हो जाते हैं। अब गुण वर्ण है कितने? गुण वर्ण तीन है। गुण वर्ण है कितने? तीन है। अ है, ए है, ओ है। अ ए और ओ, ये गुण वर्ण है। क्योंकि व्याकरण शास्त्र में कोई पूछे आपसे गुण वर्णों की संख्या कितनी है, आप सीधे कहेंगे व्याकरण शास्त्र में गुण वर्णों की संख्या तीन है। ऐसे भोजपुरी में तो गुण का मतलब भेली भी होता है, साहित्य में गुण का मतलब उसकी विशेषता हो गई, लेकिन व्याकरण शास्त्र में जब गुण की बात करेंगे तो व्याकरण शास्त्र में गुण का केवल तीन वर्णों को ही गुण कहा गया है। गुण संज्ञक वर्ण अर्थात गुण संधि मीन्स ऐसी संधि जिसमें जिसके पश्चात गुण वर्णों का निर्माण हो। यही प्रक्रिया दीर्घ संधि में भी हो रही थी। आपने देखा दीर्घ संधि में भी यही प्रक्रिया हो रही थी। इसे आप बोल सकते हैं पूर्व पद, क्योंकि संधि में दो पदों का होना आवश्यक है, हम पिछली कक्षा में बतला चुके हैं। अब एक को पूर्व पद कह सकते हैं, दूसरे को उत्तर पद कह सकते हैं, एक को प्रथम पद कह सकते हैं, दूसरे को दूसरा पद कह सकते हैं, एक को प्रथम पद कह सकते हैं या पूर्व पद कह सकते हैं, दूसरे को अंतिम पद कह सकते हैं। किसी कतार में अगर दो ही व्यक्ति हैं तो पहला और या पहला दूसरा कहिए या पहला और अंतिम कहिए, बोथ आर सेम, दोनों का मतलब मीनिंग ऑफ बोथ आर सेम, दोनों का मतलब क्या है, वो समान है। तो ए और ई अगर मिलते हैं आपस में, ए और ई मतलब ये जो हमने आत लिखा है ए आ, ये ए आ हर जगह रहेगा, ए आ या ए या आ। यदि प्रथम शब्द के अंत में ए आ आए और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ई ई उ उ री री आए तो वहां पर गुण हो संधि हो जाती है। तो प्रश्न ये उठता है, हम आपको किताबों में ये बतलाया जाता है ए और ई मिलकर के ए होते हैं, हम आपको बतलाएंगे ए ही क्यों होते हैं, और पुस्तकों में लिखा रहता है ए और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं, हम आपको बतलाएंगे ओ ही क्यों होते हैं, ए उ मिलकर के ए क्यों नहीं हो जाते हैं। पुस्तकों में लिखा रहता है ए और आ मिलकर से अगर री मिलता है तो अर हो जाता है, अर ही क्यों होता है, जबकि अर गुण संज्ञक वर्ण नहीं है, गुण वर्ण नहीं है, गुण वर्ण क्या है, ए है, लेकिन गुण हो जाता है, अर हो जाता है, क्यों होता है, इसको सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, अभी सब स्पष्ट हो जाएगा। जब हम आपको उच्चारण स्थान पढ़ा रहे थे, देखिए अ या आ से यदि ई का मिलाप हो, ई मिले तो क्या बनना चाहिए, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। ये दोनों स्थानीय वर्ण हैं, ये दोनों क्या हैं, स्थानीय वर्ण हैं। जैसे रमाधन ईश, देवधन ईश, देवेश, तो देव में जो अ है और ईश में जो बड़ी ई है, ये दोनों क्या है, स्थानीय वर्ण है, क्योंकि ये दोनों हट जाएंगे और इनके स्थान पर ए आता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। और जो वर्ण अपने स्थान से हटता है उसे हम स्थानीय वर्ण कहते हैं, जो स्थानीय के स्थान पे जाता है उसे हम आदेश वर्ण कहते हैं। बात समझ गया? तो आदेश वर्ण क्या है, अ ए ओ आदेश वर्ण है। हम पिछली कक्षा में आदेश वर्ण और स्थानीय वर्ण के बारे में विस्तृत जो है चर्चा कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि अ आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, अंतिम और प्रथम क्यों, क्योंकि संधि के लिए संहिता का होना आवश्यक होता है, इसके लिए भी आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा संहिता क्या होती है, क्यों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं और क्यों द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं, यह संहिता का कारण होता है, इसके लिए उस वीडियो में आपको जाना पड़ेगा, पहले वाले वीडियो में। तो अ और ई मिलकर के क्या हो सकता है, अ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, क्योंकि परिभाषा में क्या है, यदि प्रथम शब्द के अंत में अ आ आए और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ई ई उ उ री री आए तो वहां पर गुण संधि हो जाती है, यानी गुण वर्ण बन जाते हैं। तो गुण वर्ण ए बन, अब ये तो उसने नहीं कहा कि ए ई मिलकर के ए होते हैं, ए उ मिलकर के ओ होते हैं और ए री मिलके अर होते हैं, ऐसा वहां पे कहीं भी किसी भी व्याकरण की पुस्तक में नहीं लिखा गया, लोग अपने हिसाब से बना देते हैं इसे। तो हम जब उच्चारण स्थान पढ़ा रहे थे तो आपको हमने बतलाया था, ये बताइए ए का उच्चारण स्थान क्या है, ए का उच्चारण स्थान पहले आप लोग हमको बतलाइए, क्योंकि जब तक उच्चारण स्थान नहीं क्लियर रहेगा तब तक संधि अच्छे से क्लियर नहीं रहेगी। हमने सूत्र बताया था आपको, अकुह विसर्जनीयाम कंठा, इचुय सनाम तालु, रितुर सनाम मूर्धा, उपु ओष्ठ है, रितुल सनाम दंती, बतलाया था, वकारस्य दंतोष्ठ है,
नसिका अनुसारस्य, ये सब सूत्र हमने पिछले कक्षा बतलाया था। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि डायरेक्ट आप उच्चारण स्थान को रट लें कि क वर्ग कंठ होता है, च वर्ग ताल होता है। तो क च वर्ग तो आप रट लेंगे, लेकिन यह रह ल व स है और सारे स्वरों को कहाँ ले जाएंगे, इसीलिए वो सूत्र रटना आपके लिए आवश्यक है। इसके लिए पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी अच्छे समझ में आएगा। अब अ आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई ई का उच्चारण स्थान ताल होता है। तो ये बताइए इन गुण वर्णों में से किसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, क्योंकि दो वर्ण आपस में मिलेंगे, अगर अ और ई आपस में मिलते हैं यानी अ प्लस ई आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनेगा, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो कोई ऐसा वर्ण इसमें से ढूंढिए जो जिसका उच्चारण स्थान कंठ हो और तालु दोनों हो, क्योंकि स्थानीय वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा आदेश वर्णों का भी उच्चारण स्थान वही होगा। स्थानीय वर्ण क्या होते हैं, आदेश वर्ण क्या होते हैं, हम बतला चुके हैं। तो ए और ई का उच्चारण स्थान अगर कंठ है तो क्या यहां ए कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इन गुण वर्णों में से क्या ए कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए का केवल कंठ होता है, जबकि स्थानीय वर्णों का आपस में मिलकर के उच्चारण स्थान क्या हो रहा है, कंठ ताल हो रहा है। तो ए तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या ओ कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ ओष्ठ होता है। जब स्थानीय वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वही उच्चारण स्थान आदेश वर्णों का भी होता है, ये क्लियर जान लीजिए। पूरे संधि में ये अप्लाई होगा, स्थानीय वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा वही उच्चारण स्थान आदेश वर्णों का भी होगा। क्यों होगा इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। अब आते हैं ए पे, ए ही क्यों आता है, ए इसे ए ही क्यों बनता है, वो इसलिए बनता है क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ ताल होता है और ए और ई का उच्चारण स्थान कंठ ताल होता है, इसीलिए ए और ई के मिलने से केवल ए ही बनता है, ओ नहीं बन सकता है या ए नहीं बन सकता है। बात समझ में आ गई कि ए और ई के मिलने से क्यों ए ही बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान ताल हुआ। उच्चारण स्थान अच्छे से जिसको जो रट लेगा उसे संधि में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अब आते हैं ए का उच्चारण स्थान दूसरे पे, ए का उच्चारण स्थान ए या आ का कंठ होता है और ऊ और ऊ का क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो इन वर्णों में से क्या किसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, तो आप देख रहे हैं ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ है। ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ है। अब आते हैं ए और आ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है और इसका उच्चारण क्या है, री है। री इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो कंठ मूर्धा, हमारे पास कोई कंठ मूर्धा तो है नहीं क्योंकि ए का उच्चारण स्थान केवल कंठ होता है। तो अगर केवल ए लगा दें तो क्या यह सही है, गुण वर्ण तो केवल ए है, अर नहीं होता है, लेकिन केवल ए लगाने से क्या ये सही है। संस्कृत में एक सूत्र होता है मित्रों, उरण रपरह। उरण रपरह का मतलब ये है, यदि ए आ के बाद री आए तो वो, मतलब ए आ के बाद यदि री आए तो ए अकेले नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उरण रपरह सूत्र के अनुसार उसके साथ रह भी आ जाता है, आधार रह भी आ जाता है। ऐसा इसलिए, ये संस्कृत का विषय है, ज्यादा उसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। यहां पर ए का उच्चारण स्थान कंठ है और रह का उच्चारण स्थान मूर्धा है। आप पढ़ चुके हैं, वह पिछले वीडियो में जाएंगे जो वर्णमाला का दूसरा वीडियो व्यंजन वाला है, उसमें उच्चारण स्थान के बारे में लास्ट में चर्चा की गई है अच्छे से। और इसीलिए यहां पर ए और री मिलकर अर होता है, केवल ए नहीं होता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या अर जो है, अर गुण वर्ण है, नहीं, गुण वर्ण केवल गुण वर्ण केवल ए है, लेकिन उरण रपरह सूत्र से ए अकेले नहीं आ सकता है, किसके साथ आएगा, र के साथ आएगा। क्यों र के साथ आएगा, ताकि उच्चारण स्थानों की समानता बनी रहे, इसीलिए ए और री जब आपस में मिलते हैं तो अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर बन जाता है। अब आते हैं यदि ए या आ के बाद री आता है, यदि ए या आ के बाद री आता है तो उसे उरण रपरह सूत्र से, उस सूत्र के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, क्यों अल होता, हम ये बता रहे हैं ए अकेले नहीं आ सकता है यहां पे। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि स्थानी का उच्चारण स्थान कंठ है और ल्री का उच्चारण स्थान दंती है। ल्री का उच्चारण स्थान क्या है, दंती है। ए का उच्चारण स्थान आ का क्या है, कंठ है। तो कोई ऐसा वर्ण यहां पे आएगा जिसका उच्चारण स्थान कंठ और दंती दोनों हो, तो क्या करते हैं हम, अल। क्या करते हैं, अल। इसका मतलब यह हुआ यदि प्रथम शब्द के अंत में ए आ,
ई अ आर आए और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ई ई उ री 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 आ और री आए तो क्रमशः गुण वर्णों का निर्माण होता है। गुण संधि की परिभाषा यही है कि संधि के पश्चात गुण वर्णों का निर्माण हो। तो गुण वर्ण कौन कौन से हैं? अ ए ओ, यही तीन गुण वर्ण है। क्योंकि यहां पे अर हमको करना पड़ा है, इसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र दिया था उरण रपर, उरण रपर, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि गुण वर्णों का निर्माण कैसे हुआ है। अ आ के बाद ल्री आता है तो अल हो जाता है। अल ही क्यों होता है? स्पष्ट कर दिया हमने। अ आ के बाद री आता है तो अर होता है। अर ही क्यों होता है? उरड़ रप रह सूत्र से अर हो जाता है। अ ऊ के बाद अ ऊ जब आपस में मिलते हैं तो क्या आता है? ओ बनता है। आदेश क्या होता है? ओ होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्थानीय वर्णों का आपस में उच्चारण स्थान अ का कंठ है, ऊ का ओष्ठ है, तो वही गुण वर्ण हम रखेंगे जिसका उच्चारण स्थान स्थानीय वर्णों से मेल खाए। बात समझ गए आप? उसके बाद इस पे आते हैं तो ए का उच्चारण स्थान कंठ है, इस ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो ए ई जब मिलते हैं तो ऐसा वर्ण हम यहां पे रखेंगे जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों हो। अब आते हैं कुछ गुण संधि के उदाहरण पे। तो संधि क्या है? कम से कम दो पद तो वहां पे होंगे ही। अगर संधि करनी है तो कम से कम दो पद तो वहां पे होने ही चाहिए, क्योंकि संधि मतलब योग या जोड़। संधि मतलब होता है योग या जोड़। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम गुण संधि का, सुरधन ईश, सुर धन ईश। ये बताइए प्रथम शब्द के अंत में क्या है? जब स्वर संधि का विषय है ना, ये स्वर संधि पढ़ रहे हैं। जो गुण संधि होती है वो भी स्वर संधि होती है, दीर्घ संधि होती है वो भी स्वर संधि होती है, वृद्धि संधि होती है वो भी स्वर संधि होती है। तो सुर में सुर का अंतिम वर्ण क्या है, वर्ण पूछ रहा हूं मैं, तो वर्ण इसका कैसे निकालेंगे? सु र में हलंत धन ए, क्योंकि हलंत मतलब हल मतलब व्यंजन। व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा होती है। पहली कक्षा में हमने बताया था आपको व्यंजन की आधी मात्रा होती है, और व्यंजन को पूरा होने के लिए आधा र में जब ए लगाते हैं तो बन जाता है पूरा र, बन जाता है पूरा र। तो अब देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ए, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। और चूंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो हमेशा प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम पद के अंत में स्वर आएगा और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में भी स्वर आएगा। संगीता स्वर वर्णों के बीच में होगी तभी स्वर संधि होगी। इसके अलावा कुछ भी आता है तो वहां पर व्यंजन या विसर्ग संधि होगी, लेकिन स्वर संधि नहीं होगी, क्योंकि स्वर संधि होने के लिए संगीता स्वर स्वरों के बीच होनी चाहिए। संगीता मीन्स अत्यंत सामीप्यता, अत्यंत निकटता। तो यहां पर ए और ई क्या है? स्थानीय वर्ण है। और ई क्या है? स्थानीय वर्ण है। अब इनको कौन सा वर्ण आदेश होता है? हमने आपको बतलाया इनको आदेश होगा ए और ई मिलकर के क्या बनेंगे? ए। ए और ई मिलकर के क्या बनेंगे? ए। क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, और गुण वर्ण हमारे पास तीन है ए ए ओ, उनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, इसीलिए इसे आदेश वर्ण कहा जाता है। आदेश वर्ण कौन होता है? जो दूसरे के स्थान पर जाके बैठ जाते हैं। और व्याकरण शास्त्र में आदेश को शत्रुवत की संज्ञा दी गई है, शत्रु की संज्ञा दी गई है। स्थानीय वर्ण कौन से वर्ण होते हैं? वे वर्ण जो अपने स्थान को छोड़ करके हट जाते हैं। और यहां पर कौन सा सूत्र? देखिए इसमें सूत्र भी काम करता है संस्कृत का, इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। पर सन्निकर्ष संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता। यहां पर कौन सा सूत्र काम करेगा? आद गुण है। आद गुण है क्यों काम करेगा? आद गुण है, यही तो कहता है कि आ के पश्चात यदि ई ई उ री री ऐसे शब्द आते हैं तो दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं? दोनों मिल करके गुण हो जाते हैं। दोनों मिल करके गुण हो जाते हैं, गुण वर्ण हो जाते हैं, मतलब गुण वर्ण हो जाते हैं। अब यहां पर दो को एक आदेश हुआ है, यहां पर सूत्र काम करता है पूर्व परयो एका देश है।
मीन्स पूर्व पद और पर पद, पूर्व पद और पूर्व मन पहले वाला पद और दूसरे पद को एक वर्ण आदेश हो जाता है, एक वर्ण आदेश हो जाता है। वो कौन सा वर्ण है? ए। ए आदेश हो गया है किसको? पूर्व पद और पर पद को। तो पूर्व है परयो एका देश है। अब जो जैसे है इन इसको हटाना है क्योंकि स्थानीय वर्ण हटते हैं, आदेश वर्ण उसके स्थान पर जाते हैं, तो यहां इसके स्थान पे हमें ए को रखना है। तो क्या करेंगे आप? शु आधार रह। आधार रह क्यों है? क्योंकि इसमें से ए निकल गया है। आप समझ गए? ए कहां है? ए इसमें आ गया है। ई कहां गया? ई भी इसमें आ गया है। और यहां पर क्या बचा? श। यहां पर क्या बचा? श। अब यहां पर अगर से बचा तो इस पर एक सूत्र काम करता है। एक संधि के सिद्धि में चार सूत्र काम करते हैं हमेशा, हर संधि में। यहां पर जब दीर्घ संधि पढ़ रहे थे तो यहां पर परस संधि कर्ष संहिता रहता, लेकिन इस स्थान पर आपका अकह सवर्ण दीर्घ हो जाता और इस स्थान पर आपका पूर्व परयो एकादेश रहता। इसके बाद होता है अचहीन व्यंजनम परेण स्वरेण, अचहीन व्यंजनम परेण स्वरेण संयोजनम। अच मीन्स क्या होता है? स्वर। ऐसा अचहीन व्यंजनम, सॉरी अच मीन्स क्या होता है? स्वर। लेकिन अचहीन मीन्स क्या होता है? स्वर के बिना। व्यंजनम मीन्स व्यंजन, ऐसा व्यंजन जो स्वर के बिना है। कौन सा व्यंजन स्वर के बिना है? र व्यंजन स्वर के बिना है, तभी तो आपने हलंत लगाया है। अचहीन व्यंजनम परेण स्वरेण, पर माने बाद वाला जो स्वर है, परेण बाद वाला जो स्वर है, स्वरेण मतलब स्वर। अचहीन व्यंजनम परेण स्वरेण संयोजनम, परेण स्वरेण संयोजनम। संयोजनम मतलब सबको इकट्ठा कर दिया जाता है, उस सूत्र से अचहीन व्यंजनम परेण स्वरेण संयोजनम। तो यहां पर क्या हो जाएगा? शु, और आधार रे में जब ए मिलेगा तो हो जाएगा रे, और यहां पर इस से को क्या कर देंगे? संयोजन कर देंगे, बन जाएगा सुरेश, बन जाएगा सुरेश। तो मुझे लगता है कि आपको ये सुरेश वाला जो संधि विच्छेद था सूर्यधन ईस का, ये समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं ऐसी कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। आगे चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल पे, और दूसरा एग्जाम्पल है सूर्यधन उदय। सूर्य प्लस उदय। अब देखिए सूर्य का अंतिम वर्ण क्या है? सूर्य का अंतिम वर्ण है, इसमें से जब ए निकालेंगे तो ए बचेगा। सूर्य के अंतिम में क्या बोलते हैं आप? ए बोलते हैं। सूर्य, सूर्य, सूर्य अंतिम वर्ण क्या है? वर्णमाला पढ़, अगर आपने वर्णमाला की कक्षा देखी होगी, वर्णमाला का वीडियो देखा होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा हो पहले जाके वर्णमाला अच्छे से पढ़े, क्योंकि बिना वर्णमाला के संधि अच्छे से करना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो यहां पर हलंत लग जाएगा, यहां बचा ए, और यहां पर क्या है? उदय। यहां पर वही सूत्र काम करेगा, पर सन्निकर्ष संहिता। यहां पर आद गुण काम करेगा। अब ये पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? ए है और ऊ है, ए है और ऊ है, और ए ऊ मिलकर के क्या होते हैं? ए ऊ मिलकर के ओ हो जाते हैं। परिभाषा को अगर हम ऐसे कहें, यदि प्रथम शब्द के अंत में ए आ, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में इ ई उ उ री री आता है, तो ए और ई मिलकर के ए हो जाते हैं, ए और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं, ए और री मिलकर के अर हो जाते हैं, ए और री मिलकर के अल हो जाते हैं। ऐसी परिभाषाएं माध्यमिक शिक्षा परिषद या इंटरमीडिएट तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न का स्तर कितना कठिन हो सकता है ये कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए मैं अपने हिसाब से पूरी बातें आपको बतला दे रहा हूं। ए उ मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है, क्योंकि गुण वर्ण हमारे पास तीन ही है, ए ओ गुण का, और इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। तो अब क्या है? अब वही चीज, पूर्व परयो एकादेश है, पूर्व पद और
पर पद के को एक आदेश हो जाता है, यानी एक वर्ण आदेश हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों स्थानीय वर्ण हैं और ओ क्या है, आदेश वर्ण है। पूछ सकता है आपसे आदेश वर्ण को क्या होते हैं, स्थानीय वर्ण क्या होते हैं। कभी भी एग्जाम में क्या पूछ ले इसका कोई भरोसा, कंपटीशन वाले एग्जाम में क्या पूछ ले इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अब क्या होता है, अचहीन व्यंजनम परेण स्वरेण संयोजनम। अब क्या करेंगे हम, अचहीन व्यंजन जो है, अचहीन व्यंजन क्या है यहाँ पर, यह ऐसा व्यंजन है जो अच के बिना है, अच माने स्वर के बिना है, और इसको क्या करेंगे, संयोजन करेंगे किससे, परेण बाद वाले स्वर के साथ। क्योंकि वर्णमाला की कक्षा में मैं ये सब चीज़ें स्पष्ट कर चुका हूँ कि क्रम विनिमेय नियम का कौन पालन करता है कौन नहीं करता है, तो वर्णमाला वाला वीडियो जरूर देख लीजिए दोनों, तभी आपको संधि अच्छे से समझ में आएगी। और एक बार वर्णमाला अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो कोई कारण ही नहीं है कि संधि आपको समझ में ना आए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आधा य में ओ मिले, अगर आधा क में ओ मिले तो क्या होता था वर्णमाला में, को। वर्णमाला में क्या होता था, को। बारह खड़ी आपने पढ़ा होगा। एक बात और बता दें, हिंदी में मात्राओं की संख्या 12 होती है, इसको भी हमने वर्णमाला वाले चैप्टर में चर्चा किया था इसके बारे में, ये भी जान लीजिएगा आप। अब आधा य में अगर ओ मिलेगा क्या होगा, ओ तो बन जाएगा सूर्यो, सूर्यो दय, क्योंकि ये में ओ मिलेगा तो बन जाएगा यो, और रे रे अपना रुका रहेगा तो हो जाएगा सूर्योदय, हो जाएगा सूर्योदय। उम्मीद करता हूं कि ये भी एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे क्या करना है। इस तरह तोड़ के अगर आप करेंगे कभी भी संधि में आपसे त्रुटि नहीं होगी। अब आते हैं अगले एग्जांपल पे, ए आ हो। अब ए के स्थान पर अगर आ भी होता तो भी वही बात होती, आपको अंतिम वर्ण ढूंढना है। और एक दिन प्रैक्टिस वाला वीडियो भी हम करवाएंगे। अब तीसरे एग्जाम्पल पे जब हम आते हैं, जैसे महाधन ऋषि, मैं हां धन ऋषि, महाधन ऋषि, प्रथम वर्ण का अंत, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, आ है, तो उसे पहले देख लेते हैं कहां है। मैं यदि है में से हा में से, मीन्स हा में से अगर व्यंजन को अलग कर दें और स्वर को अलग कर दें तो क्या बचेगा, आ बाहर चला जाएगा, है में हलंत लग जाएगा, मूल व्यंजन यही तो होते हैं। और यहां पर री क्या है, री क्या है, री भी एक स्वर है, तो आ या ए आए इन दोनों के स्थान पे क्या होगा, अर। ध्यान रहे आधा रह होगा, उरड रप रह सूत्र से आधा रह ही होता है, पाणिनि के अनुसार उरड रप रह सूत्र से आधा रड़ ही, आधा रह ही, ही आदेश होता है। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, री का क्या है, मूर्धा, ए का क्या है, कंठ, र का क्या है, मूर्धा। तो स्थानीय का, स्थानीय वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वही उच्चारण स्थान आदेश वर्णों का भी होता है, ये जान लीजिए, क्लियर। तो अर हो जाएगा, अब अर को परण अचहीन व्यंजनम परेण सरेण संयोजनम, परेण स्वरेण पर वाले स्वर को संयोजन कर देते हैं। तो वही केवल संयोजन करना है, मतलब मह यहाँ पे है ही और शी यहाँ पे है, अब इसको संयोजन कर दीजिए, संयोजन मतलब मिला दीजिए आपस में। अचहीन व्यंजन यहाँ पर है, अच मने स्वर से विहीन, स्वर के बिना व्यंजन ये है, तो इसमें स्वर जोड़ दीजिए, ये क्या बन जाएगा, मह है और यहाँ पर रह शी महर्षि, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का एक तरीका और है, महर्षि। उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आया होगा, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। अब अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, लय वाले, लि से क्या बनता है। एक एग्जाम्पल और है, तब धन लिकार, तब धन लिकार, तव धन रिकार, तव धन रिकार। अब व में कौन सा स्वर छिपा है, ए, देख लीजिए, तय व में हलंत लग जाएगा, ए बाहर आ जाएगा। ये सब वर्णमाला का विषय है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लि का र। अब ए और लि मिलकर के क्या आदेश हो रहा था, बताए थे आपको, ये दोनों मिलकर के आदेश होता है अल, क्या आदेश होता है अल, ए और ल, ठीक। अब अचहीन व्यंजनम परेण स्वरेण संयोजनम, अच के बिना जो व्यंजन है उसमें दूसरे वाले स्वर को पहले जोड़ दीजिए,
दूसरे वाले स्वर को इसमें जोड़ दीजिए, कहने का मतलब सबको आपस में मिला दीजिए। यह स्थानीय वर्ण है, इनका इसका उच्चारण स्थान कंठ, इसका उच्चारण स्थान दंती, तो अल का भी उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और दंती। इसीलिए हमने कहा था कि उच्चारण स्थान के बिना संधि को सही से समझना संभव नहीं है। अब देखते हैं तय हुए धन अल धन कार। अब देखिए आधा क में जब ए मिलता है तो पूरा क हो जाता है, तो आधा व में जब ए मिलेगा तो पूरा व हो जाएगा, तय व ये है, इसको मिल गया। ये आधा ल बचा रहेगा क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है, ल का र तवलकार, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी ने अब इस प्रकार से भी लिखना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन आप क्या करेंगे, आपके पास तरीका है, तय व ल का र तवलकार। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आए, अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो में जो भी बातें बताई गई। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृद्धि संधि और यण संधि, अयाद संधि, तीनों संधियों के बारे में, क्योंकि जो फ्लैशबैक था, जो बेस था संधि का, वो हमने दो संधियों में ही कवर कर लिया, तो अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो पहले पिछला जो दीर्घ संधि वाली वीडियो है या संधि की जिसमें विवेचना की गई है वो वाला वीडियो देख लेंगे, तभी उनको समझ में आएगा अच्छे से, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि अगर आप पहले से कुछ जानते हैं तो ये वाला वीडियो भी डायरेक्ट आपको समझ में आया होगा। गुण क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर दी गई, वृद्धि क्या होती है इसके बारे में चर्चा कर दी गई। अब जो है अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे वृद्धि संधि के बारे में, वृद्धि संधि भी एक प्रकार की स्वर संधि है, अगली कक्षा में इसके बारे में बताएंगे। और वृद्धि संधि को वृद्धि संधि क्यों कहते हैं ये तो आज बतला दिए, गुण संधि गुड़ संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि संधि होने के पश्चात गुण वर्णों का निर्माण होता है। वृद्धि को वृद्धि संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि संधि के पश्चात वृद्धि वर्णों का निर्माण होता है। व्याकरण शास्त्र में गुण को अलग तरीके से देखा जाता है, साहित्य शास्त्र में गुण को अलग तरीके से देखा जाता है, मनोविज्ञान में वृद्धि को अलग तरीके से देखा जाता है, साहित्य में वृद्धि को अलग तरीके से देखा जाता है, और व्याकरण शास्त्र में वृद्धि को अलग तरीके से देखा जाता है। यह तो आपको हमने स्पष्ट कर दिया, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद में आपको पसंद आया होगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी संप्रेषित हो सके। धन्यवाद।